नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा कंप्यूटर टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप किए हुए टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट साइज को चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन कमांड के बारे में। जब भी हम किसी भी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ में कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम फॉन्ट कमांड पे जाते हैं। यहाँ काफ़ी फॉन्ट दिए हुए हैं, कोई भी फॉन्ट आप चूज कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने ये फॉन्ट यहाँ से चूज कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारी फॉन्ट कमांड इसमें अप्लाई हो गई। दोस्तों, इसके बाद हम फॉन्ट साइज जो कमांड है उसको अप्लाई करेंगे इसी पैराग्राफ में। तो सबसे पहले पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फॉन्ट साइज कमांड पे जाते हैं, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ हमने, मान लीजिए यहाँ से हमने 24 का फॉन्ट साइज इसका ले लिया। इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो कमांड है अप्लाई हो गई इस पैराग्राफ में। अब हम इस पैराग्राफ में बोल्ड कमांड को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो बोल्ड कमांड है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये कमांड हमारी अप्लाई हो जाती है इस पैराग्राफ में। अगर हम बोल्ड कमांड को हटाना चाहते हैं तो फिर से इस बोल्ड कमांड पे हम प्रेस करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमारी जो कमांड है हट जाती है। एक बार बोल्ड कमांड को प्रेस करने पर ये कमांड अप्लाई हो जाती है और फिर से हम इस कमांड को प्रेस करते हैं तो ये कमांड हमारी हट जाती है। इस प्रकार से हम बोल्ड कमांड को इस पे लगा भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे हम इटैलिक कमांड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो इटैलिक वाली कमांड है इस पे प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इटैलिक कमांड अप्लाई हो गई। अब हमें इटैलिक कमांड को हटाना है तो इसके लिए सिंपल है, फिर से हम यहाँ इटैलिक वाली कमांड पे जाएंगे और इसको एक बार फिर से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो इटैलिक वाली कमांड है वह भी हट जाएगी। इसी प्रकार से हमें अंडरलाइन वाली कमांड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से अंडरलाइन वाली जो कमांड है इस पे यहाँ पे प्रेस करेंगे इस तरह से। यदि हमें अंडरलाइन कमांड को हटाना है तो इसको एक बार फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारी जो अंडरलाइन कमांड है हट जाती है। तो इस प्रकार से हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांडों का यूज़ किया है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की कमांड भी है, इनको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल यहाँ से हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारी जो कमांड है अप्लाई हो गई। और हम एक बार फिर से कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे तो हमारी जो कमांड है हट जाती है। इसी प्रकार से हमारी जो इटैलिक वाली कमांड है कंट्रोल प्लस आई, इसका हम यूज करते हैं तो हमारी ये इटैलिक वाली कमांड अप्लाई हो जाती है। और यदि इसको फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आई तो ये हमारी कमांड है हट जाती है। इसी प्रकार से अंडरलाइन वाली कमांड के लिए हम कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारी जो कमांड है वह इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो गई है। और इसको यदि हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू का एक बार फिर से यूज करते हैं तो हमारी ये कमांड हट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।